जय हिंद दोस्तों। मिलिट्री कमेंडेशन बैज या फिर आर्मी कमेंडेशन बैज क्या होता है और इसे कैसे अर्न किए जाते हैं? देखिए, इंडियन मिलिट्री में आर्मी कमेंडेशन बैज एक तरह से एक गैलेंट्री अवार्ड या फिर एक डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड है। ये बैज उन सोल्जर्स या फिर ऑफिसर्स को दिया जाता है जो अपने मिलिट्री करियर में कुछ ऐसा काम किए हैं जो साहस और वीरता को दर्शाता हो। और इंडियन आर्मी में कुल दो तरह के कमेंडेशन बैज है, एक है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन बैज और दूसरा है आर्मी कमेंडेशन बैज। सबसे पहले बात करते हैं आर्मी कमेंडेशन बैज की। आर्मी कमेंडेशन बैज तीन तरह से दिया जाता है। पहला है GOC INSEE, दूसरा है ART RAC और तीसरा है VCO AS। देखिए, इन सब टर्म को मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। GOC INSEE का मतलब होता है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। अब देखिए, इंडियन आर्मी में टोटल 7 कमांड है जिनमें से 6 ऑपरेशनल कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है। और इंडियन आर्मी के हर एक कमांड को लीड करते हैं एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर। जो 6 ऑपरेशनल कमांड है उन्हें जो लीड करता है उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तहत आर्मी कमेंडेशन बैज दिया जाता है। और वहीं पर जो एक ट्रेनिंग कमांड बचा है उन्हें जो कमांड करता है वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ही एक ऑफिसर होता है, उन्हें ARTRAC यानी कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड के तहत आर्मी कमेंडेशन बैज दिया जाता है। तो GOC INSEE के तहत कमेंडेशन बैज दिया जाता है 6 ऑपरेशनल कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल को, वहीं पर ARTRAC के तहत आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल को ये बैज दिया जाता है। तीसरा टर्म है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इंडियन आर्मी में एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है जिन्हें भी ये कमेंडेशन बैज दिया जाता है और वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर ही होते हैं। अगर किसी को एक बार कमेंडेशन दिया जाता है तो उसके बैज पर कोई स्टार नहीं होता है, दो बार कमेंडेशन मिलने पर उनके बैज में एक स्टार एड होता है, अगर तीन बार कमेंडेशन मिले तो उसके बैज पर दो स्टार एड होते हैं और उसी तरह से चार बार मिलने पर तीन स्टार एड होते हैं। जो दो तरह के बैज है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन बैज और आर्मी कमेंडेशन बैज, इसको कैसे अर्न किए जाते हैं और किसको आर्मी कमेंडेशन बैज दिया जाता है और किसको COAS कमेंडेशन बैज दिया जाता है। तो देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कमेंडेशन बैज इंडियन आर्मी के कमांड के अंडर में आने वाली किसी भी रैंक के सोल्जर या फिर ऑफिसर्स या फिर सिविलियंस को भी इस बैज को अर्न करने का मौका दिया जाता है। अगर वो अपने सर्विस काल के दौरान ऑपरेशनल एरिया पे या फिर नॉन ऑपरेशनल एरिया पे किसी वीरतापूर्वक और साहसपूर्वक काम करता है तब उन्हें ये बैज दिया जाता है। और जो आर्मी कमेंडेशन बैज है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी के उन्हीं पर्सनल्स को दिया जाता है जो डायरेक्टली इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर के अंडर में काम कर रहे हो या फिर ड्यूटी कर रहे हो। आशा करता हूँ आर्मी कमेंडेशन बैज के बारे में जो भी कंफ्यूजन था वो आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने जब यूट्यूब में इसके बारे में सर्च किया तो मुझे कोई ऐसा वीडियो नहीं दिखा जहां पर इन दोनों बैजेस के बारे में इतने डिटेल्ड और क्लियर वे में समझाया गया हो। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, हर एक वीडियो में आपको रटी रटाए बातें बताई जाती है। लेकिन आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आर्मी कमेंडेशन बैज के बारे में दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, वंदे मातरम।